हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एंड मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस, जो आपकी फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर वो कौन कौन से स्पेशल्स या कौन से स्पोर्टिंग एरियाज होते हैं जो आपको हेल्पिंग करते हैं आपके सर्विस के दौरान, और वो कौन कौन से आपके मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स है जो आपको स्पोर्टिंग हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज। तो ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल एंड मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस, क्यों कौन कौन से स्पेशल एरियाज होते हैं या कौन कौन से सर्विस एरियाज होते हैं जो आपको स्पोर्टिंग करते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज, या वो कौन कौन से आपके मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको स्पोर्टिंग हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द गेस्ट सर्विसेज। तो आज हम इन सभी एरियाज और इन सभी मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल एंड मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस। उनमें से हमने कुछ आपके एरियाज हैं, कुछ आपके इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आपके साइड फोर्स है, पेंट्री है, स्टिल रूम है, हॉट प्लेट एंड पिकअप काउंटर है, एंड देन गार्मेंजर है, और आपका लास्ट स्वीट सेक्शंस है। तो आपके ये 4 to 6 एरियाज हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो आपको स्पोर्टिंग करते हैं आपके सर्विस के दौरान। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कि आपको किस तरह से स्पोर्टिंग करते हैं या ये किस तरह से आपके मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका साइड बोर्ड। तो जो आपका साइड बोर्ड होता है, साइड बोर्ड आपका रेस्टोरेंट के अंदर होता है, और एक रेस्टोरेंट में कितने साइड बोर्ड होते हैं वो आपके रेस्टोरेंट के जितने भी कवर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस साइड बोर्ड्स में आप क्या क्या इक्विपमेंट्स स्टोर कर सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज। तो इसके अंदर आप कटलरीज हो गया, आपके क्रॉकरीज हो गया, ग्लासवेयर्स हो गया, रेस्टोरेंट हॉलोवेयर्स हो गया, जिसके अंदर आपके वाटर जग्स है, फिंगर बॉल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने साइड बोर्ड में अपना स्टोर कर सकते हैं, जो आपको ड्यूरिंग द सर्विस जो भी गेस्ट को रिक्वायर्ड होती है इक्विपमेंट्स वो आपको उनको प्रोवाइड वहां से करवा सकते हैं। और जो आपका साइड बोर्ड है इसके ऊपर भी हमने एक पूरी वीडियोस बनाई है, जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का जो लिंक है उसको हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो जाकर इस वीडियो को देखिए और समझे कि साइड बोर्ड होता है उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, और इन साइड बोर्ड्स में और कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, कौन कौन से रेस्टोरेंट हॉलोवेयर्स है, वहां पर हमने आपको पूरी लिस्ट बताई है कि आप इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो मिसेलिनियस इक्विपमेंट्स है, जो एरियाज है उसमें आपका पेंट्री है। तो पेंट्री आपका एक ऐसा एरियाज होता है जो आपके सर्विस एरिया और किचन के बीच होता है, और इसमें अब क्या क्या होता है, आपकी जो पेंट्री होती है उसमें आपके वाटर कूलर्स होते हैं, आपके फ्रिज होते हैं, आपके कपबोर्ड्स होते हैं, वहां पर आपके स्टेनलेस स्टील टॉप टेबल्स होते हैं, आपका लिनन बॉक्स होता है जहां पर आप सॉल्ट लिनन रखते हैं, यहाँ पर आपके हॉट वाटर्स का भी ऑप्शंस होता है, और आपकी यहाँ पर सिंक होती है। तो आपका जो पेंट्रीज होता है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने सर्विस के लिए, यहाँ पर आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है तो आपको यहाँ से आप स्पोर्टिंग के तौर पर इस एरिया को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टिल रूम। तो स्टिल रूम भी आपका एक स्पोर्टिंग एरिया होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर आपके टोस्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे आइटम्स या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होती हैं जो आपके मेन किचन में ना बनकर आप अपने स्टिल रूम में वहां पर बनती है। तो यहाँ पर आपके टी हो गया, कॉफीज हो गया, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी या कोई भी जूसेस है, तो आपका स्टिल रूम से वो आपका प्रिपेयर होकर आप गेस्ट की वहां से सर्विस कर सकते हैं। तो ये आपका स्पोर्टिंग एरियाज या स्पोर्टिंग सर्विस एरिया होता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका हॉट प्लेट एंड पिकअप काउंटर्स। तो आपकी जो हॉट प्लेट और पिकअप काउंटर्स होती हैं, ये आपकी सेटुएट होती है किचन के अंदर, जहां पर आपकी वन साइड आपकी किचन टीम जो होती है वहां पर फूड प्रिपेयर करती है, और दूसरी अपोजिट साइड में आपकी
फूड एंड बेवरेज सर्विस टीम आती है और अपना फूड पिकअप करती है। वहां पर आपका एक काउंटर शेफ होता है जो आपके जितने भी ऑर्डर्स किचन में प्रिपेयर होते हैं वहां पर आपको बताता है कि आपका ऑर्डर्स रेडी हो गया है, और आपके जो आपकी हॉट रेंज होती है वहां पर फूड रखा जाता है ताकि आपका फूड ठंडा ना हो। और वहां पर आपकी F&B सर्विस टीम के मेंबर्स आकर उस फूड को कलेक्ट करते हैं और जाकर गेस्ट की टेबल्स तक सर्विस करते हैं। नेक्स्ट है आपका गारमेंजर। तो गारमेंजर आपका फ्रेंच वर्ड है, ये आपका कॉन्टिनेंटल कुजीन का एक सेक्शन होता है जहां पर आपकी कोल्ड डिशेस प्रिपेयर की जाती है, जिसके अंदर आपके सैलेड हो गया, आपके एपेटाइजर्स हो गया, आपके फिश कॉकटेल्स हो गए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कोल्ड फूड में आती है, तो वो सारी चीजें आपकी गारमेंजर से प्रिपेयर होती है। गारमेंजर्स कुछ होटल्स में आप उसको कोल्ड सेक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वीट सेक्शन। तो स्वीट सेक्शन आपका ज्यादातर होटल्स में नहीं होता है, बट कुछ होटल्स में आपका जो स्वीट जो फूड है वो इंडिविजुअली प्रिपेयर किया जाता है, वहां पे आपका स्वीट सेक्शन होता है, वहां पर आपका फूड प्रिपेयर करके स्टोर होता है। गेस्ट के जो भी ऑर्डर स्वीट के होते हैं वो जाकर अपने स्वीट सेक्शन से अपना स्वीट पिकअप करता है और जाकर गेस्ट की टेबल तक सर्विस करता है। तो ये आपके 4 to 6 एरियाज थे जो आपके स्पेशल एंड मिसेलेनियस इक्विपमेंट्स में आते हैं, जिसमें आपके साइडबोर्ड है, पेंट्री है, स्टील रूम है, हॉट प्लेट एंड पिकअप काउंटर्स है, गारमेंजर है और आपका स्वीट सेक्शंस है। ये सारे आपके मिसेलेनियस या आपके स्पोर्टिंग एरियाज है जो आप अपने सर्विस के दौरान इन एरियाज को यूज कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है, आपके साइडबोर्ड के ऊपर आपकी जो पेंट्रीज है, स्टेट रूम है, हॉट प्लेट है, गारमेंजर्स है, तो इनके ऊपर भी हम एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।